ये मोटिवेशनल सुनकर आप हैरान रह जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा, तेरी हार में कुछ लोग और तेरी जीत में जमाना होगा। किसी की बातों में आकर इस समाज के तानों से घबरा कर अपने फैसले मत बदलना, क्योंकि ये दुनिया केवल नसीहत दे सकती है। खाने के लिए रोटी नहीं, पेट में गया हुआ विष केवल मनुष्य को मारता है, लेकिन कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। इसीलिए मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी। अगर कोई इंसान दिन भर मेहनत करे तो लोग कहेंगे कि पैसे के लिए मरता है, मेहनत ना करे तो उसको निखट्टू कहेंगे, कम मेहनत करे तो कहेंगे घर वालों का ख्याल नहीं है इसे, पैसे खर्च करे तो कहेंगे कि फिजूल खर्ची करता है, फिजूल खर्ची ना करे तो कहेंगे कि कंजूस है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो लोग कहेंगे कि दो नंबर का पैसा है। अगर कम पैसा है आपके पास तो कहेंगे कि अक्ल होती तो ये हालत ना होती। दूध बहुत उपयोगी होता है किंतु केवल एक दिन के लिए, फिर वह खराब हो जाता है। लेकिन दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है जो केवल दो और दिन टिकता है, लेकिन दही का मंथन करने पर वह मक्खन बन जाता है, यह और तीन दिन चलता है। मक्खन को उबाल कर घी बनता है, यह घी कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी ना बिगड़ने वाला घी छुपा हुआ है। इसी तरह आपका मन भी अथाह शक्तियों से भरा है। इसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो, अपने आप को मथो अर्थात चिंतन करो, अपने जीवन को और तपाओ, तब देखना आप कभी हार न मानने वाले एक सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। जीवन को अच्छे से जीने के लिए दृष्टि जरूरी नहीं, सही दृष्टिकोण होना चाहिए। एक बार की बात है, एक अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसने लगे और बोले कि मंदिर में दर्शन के लिए क्यों आए हो, तुम तो भगवान को देख ही नहीं सकते। उस अंधे ने हंसकर जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है, मेरा ईश्वर तो मुझे देख ही लेगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस यही कहूंगा, बहुत शौक था मुझे सबको खुश करने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेले पाया। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है और इस परीक्षा में बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग अलग है। इसीलिए कहते हैं, जीवन उसी का मस्त है जो अपने कार्य में व्यस्त है, वरना परेशान है वो जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। दोस्तों, नींद और निंदा ये आपके सबसे बड़े दो शत्रु हैं। नींद आपको कुछ करने नहीं देगी और निंदा आपका मनोबल तोड़ देगी। कहते हैं, जो इन दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त भी इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। तो अपनी ज्ञान की दृष्टि खोलिए और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। कोई हमारा मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते हैं एक न्यू मोटिवेशन के साथ।